गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डीसीए रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 10th और 9th अप्रैल की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम सलाम राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज विप्रो अपॉइंट शुभा तटवर्ती एज सीटीओ। विप्रो ने अपॉइंट किया है फॉर्मर वॉलमार्ट एग्जीक्यूटिव शुभा तटवर्ती को एज इट्स चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, और उनके साथ साथ अपॉइंट किया गया है सुजन डेन को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सेक्शन हेड कैपिटल मार्केट इंश्योरेंस का नॉर्थ अमेरिका रीजन के लिए। सुजन डेन ने विप्रो को ज्वाइन किया था एवनाडे कंपनी से। एवनाडे एक जॉइंट वेंचर है एसेंचर और माइक्रोसॉफ्ट का, जहां उन्होंने सर्व किया था एज ए कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल मैनेजर। नेक्स्ट वन इज सेंटर अप्रूव्स हाईवे प्रोजेक्ट्स इन झारखंड। सेंटर ने 14 हाईवे प्रोजेक्ट्स झारखंड में 670 करोड़ रुपीज़ उनकी वर्थ रहेगी उसको अप्रूवल दे दिया है। इसके तहत 127.93 किलोमीटर के हाईवे नए बनाए जाएंगे और स्ट्रेंथन किया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन वर्क होगा नेशनल हाईवे 333A जिसके लिए 76.5 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन हुए हैं। इसी के साथ साथ नेशनल हाईवे 143B का कुछ सेक्शन उसको और चौड़ा किया जाएगा जिसके लिए 81.59 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन हुए हैं। और इसी के साथ साथ नेशनल हाईवे 100 झारखंड में जो है उसको स्ट्रेच करने के लिए भी इसमें मनी सैंक्शन किया गया है, सेंटर के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट वन इज ABSL CIO महेश डांगी रिजाइंस। मनीष डांगी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं ये आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। अब इनको रिप्लेस करेंगे महेश पाटिल जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटी एट आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में, और कौस्तुभ गुप्ता वो टेक ओवर करेंगे एज द हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम, और सुनैना डी क्यूना वो टेक ओवर करेंगे एज द हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम क्रेडिट सेक्शन में। नेक्स्ट वन इज PAG टू हायर पंकज रजदान टू लेड एडलवेश। एशिया फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फिर्म है PAG। उन्होंने 61.5% हिस्सेदारी, जिसका टोटल कॉस्ट रहा 2,366 करोड़ रुपीज़ एडलवेसिस में उसको परचेज किया था। अब उन्होंने इसको संभालने के लिए हायर किया है पंकज रजदान को, जो लीड करेंगे बिगेस्ट बाय आउट इंडिया में, जो मैंने आपको बताया एडलवेसिस में 61.5% स्टेक परचेज किया था एशिया फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फिर्म PAG ने। अब इसको लीड करेंगे पंकज रजदान, वो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आदित्य बिरला कैपिटल के, और उन्होंने ज्वाइन किया था एज ए वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ EWM। आदित्य बिरला ग्रुप से पहले वो MD और CEO रह चुके हैं ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट वन इज सांची एंड सांची प्रोपेगेट्स CEO रिजाइन। सांची और सांची प्रोपेगेट द फुल सर्विस डिजिटल एजेंसी है ये पब्लिशर्स ग्रुप्स की। उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके CEO प्रिया जयरमन उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और उन्होंने अनाउंस किया है कि चार्ल्स विक्टर एज द CEO ऑफ द फिल्म अब उनको CEO बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ शाबा इकबाल उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हेड SNS प्रोपेगेट का बनाया जाएगा सांची एंड सांची प्रोपेगेट का। नेक्स्ट वन इज RBI अमेंड्स इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग मॉडल। RBI ने रिवाइज किया है अपना इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग मॉडल बेटर कैप्चर करने के लिए फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज को इंट्रैक्शन के लिए रियल इकोनॉमिक एलिमेंट्स के साथ, और इस एडजस्टमेंट में इनकॉर्पोरेट होंगे फिस्कल मॉनेटरी डायनामिक्स और इंडिया के यूनिक एंड चार्टिक फ्यूल प्राइसिंग रेजिम, और इसके साथ साथ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एंड देयर इंपैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और इस अमेंडमेंट को नाम दिया गया है क्वार्टरली प्रोजेक्शन मॉडल 2.0। नेक्स्ट वन इज चाइना कंस्ट्रक्टिंग इट्स 5th रॉकेट लॉन्च साइट। चाइना अपने पोर्ट सिटी में ईस्टर्न चाइना में लॉन्च करने जा रहा है, बिल्ड करने जा रहा है कंट्री का 5वां रॉकेट लॉन्च साइट। इंजीनियरिंग कंपनी ईस्टर्न जेजियांग में प्रोविनेंस में उनको टेंडर मिला था 1 अप्रैल को। 5वां एक लॉन्च पैड बनाया जाए निंगबो में। निंगबो ये लोकेशन रहेगी, यहाँ पे 5वां चाइना अपना रॉकेट लॉन्चिंग साइट वो बनाने जा रहा है। नेक्स्ट वन इज SBI एंड NPCI लॉन्च UPI अवेयरनेस कैंपेन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने
एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है, एक लॉन्च किया गया है डेडिकेशन प्रोग्राम कि आउटरीच को बढ़ाया जाएगा यूपीआई ट्रांजेक्शंस की अक्रॉस ऑल द सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, और एसबीआई अपने यूजर्स को इंकरेज करेगा इस इनिशिएटिव के थ्रू, और योनो एप्लीकेशन को जितने भी यूजर्स यूज़ करते हैं उनको यूपीआई पेमेंट्स के इजी और रिलायबल और सेफ मेथड्स वो बताए जाएंगे, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप योनो के थ्रू आप यूपीआई यूज कीजिए। नेक्स्ट वन इज यूपी गवर्नमेंट टू लॉन्च स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव। यूपी गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रहा है एक स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव, 8th of April से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो 45 ईयर्स से अबव हैं उन पे वो बेनिफिशरीज रहेंगे, और ये ड्राइव चलेगी 23rd of April से, 8 से स्टार्ट होगी, 23rd of April से चलेगी। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफिसेज टू वर्क फॉर 5 days a week। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज को स्टेट में वो ऑर्डर दिया है कि वो 5 दिन ही काम करेंगे, मंडे टू फ्राइडे, अगले आने वाले 3 मंथ तक। हाई लेवल कमिटी में डिसीजन लिया गया जिसके चेयरमैन रहे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। कोरोना के केसेस स्टेट में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए ही ये डिसीजन लिया गया, और इसमें ये भी डिसीजन लिया गया कि हर एक संडे को लॉकडाउन रहेगा स्टेट में अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। नेक्स्ट वन इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एरिट्रिया अराइव्स इन इंडिया। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एरिट्रिया ओस्मान सलेह मोहम्मद इंडिया में, न्यू दिल्ली में उनका दौरा हुआ, 7th of April को ऑफिशियल विजिट पे थे। उन्होंने यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर एस जयशंकर को के साथ 8 अप्रैल को मीटिंग की। ओस्मान सलेह मोहम्मद पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं एरिट्रिया के, जब से एरिट्रिया को इंडिपेंडेंस मिली है, और उन्होंने इस पोजीशन को संभाला 1993 से 2007 तक। अब उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज पीएम मोदी लॉन्चेस प्रोजेक्ट इन सेशल्स। पीएम मोदी और सेशल्स के प्रेसिडेंट वेलेल रामा कालवन ने जॉइंटली इनोग्रेट किया ए रेंज ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट्स जो सेशल्स में म्यूचुअली इनको इनोग्रेट किया गया 8th of April को। इसमें शामिल हैं जॉइंट ही इनोग्रेशन ऑफ न्यू, इसके तहत एक नई मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग बनाई जाएगी, और एक फास्ट पेट्रोल वेसल्स सेशल कोस्ट गार्ड को वो सौंपा जाएगा पेट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज जॉन कैरी विजिट्स न्यू दिल्ली। यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल इनवॉय ऑन क्लाइमेट जॉन कैरी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7th of April को मुलाकात की, नई दिल्ली के वो दौरे पे हैं, और उन्होंने ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अबाउट द अपकमिंग लीडर समिट जो जो बाइडन ने कॉल किया था कि सभी एमर्जिंग इकोनॉमीज के लीडर्स को उन्होंने इनवाइट किया है 40 लीडर्स को कि वो क्लाइमेट चेंज समिट में हिस्सा लें। ये शेड्यूल किया गया है 22nd और 23rd अप्रैल को होने जा रहा है ये। इसके बारे में ही यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल इनवॉय ऑन क्लाइमेट जॉन कैरी ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और उन्होंने बताया कि यूएस विल सपोर्ट इंडियाज क्लाइमेट प्लान्स। यूएस सपोर्ट करेगा इंडिया के क्लाइमेट प्लान्स को बाय फैसिलिटेटिंग अफोर्डेबल एक्सेस टू ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड रिक्विजिट फाइनेंस। नेक्स्ट वन इज 68% लोन्स अंडर प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना सैंक्शन टू वुमेन। मोर देन 28 करोड़ 68 लाख लोन सैंक्शन हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के तहत, जिनमें अमाउंट सैंक्शन की गई 15 लाख करोड़ रुपीस, और इसमें से बताया गया कि जब से 2015 से जब यह स्कीम लॉन्च हुई थी और अभी तक इसमें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं 10 लाख से नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, और ये लोन फैसिलिटीज 68% वुमेन एंटरप्रेनर्स को मिली हैं, और 51% लोन्स दिए गए हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास बोरोवर्स के लिए। नेक्स्ट वन इज हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ ए बुक टू बी रिलीज्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया हिंदी ट्रांसलेशन बुक का जिसका नाम है उड़ीसा इतिहास 9th of April को। इसको रिटर्न इसको किया गया है उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब के द्वारा, नोटेबल फिगर रहे हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। उन्होंने इस बुक को लिखा था अहमदनगर फोर्ट जेल में, जहां उनको 2 साल से भी ज़्यादा के लिए कारावास में रखा गया था 1942 से 1945 तक। नेक्स्ट वन इज
प्रेसिडेंट कोविंद प्रोमोगलेट्स एंड ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने प्रोमुलगेटेड किया है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट को ऑर्डिनेंस, ये 4 अप्रैल को आया था। 31 मार्च को यूनियन कैबिनेट ने अपनी तरफ से इस प्रपोजल को अमेंडमेंट किए जाने थे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 में, इसको अप्रूवल दे दिया था। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भी इसको अप्रूवल अब दे दिया है। इस अमेंडमेंट में एम रखा गया है टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट अल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा फॉर कॉरपोरेट पर्संस, क्लासिफाइड होंगे जो मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अंडर द कोड। नेक्स्ट वन इज कजाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर विजिट्स जोधपुर। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल नूरलन यर्मेकबेव, उनकी विजिट हुई जोधपुर और जैसलमेर में 7 अप्रैल को। 4 दिन के वो दौरे पे हैं इंडिया में, दिल्ली आगरा में भी विजिट करेंगे। इसी के साथ साथ फोकस रहेगा इस विजिट का बूस्टिंग बायलेटरल डिफेंस कॉरपोरेशन, और उनकी बायलेटरल मीटिंग रहेंगी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ न्यू दिल्ली में 9 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट रीजनल वर्कशॉप ऑन PMKVY3 एट गैंगटॉक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट रीजनल वर्कशॉप, ये अंडरस्टैंड करने के लिए द प्रोविजंस ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, इसका पोर्टल लॉन्च हुआ है, 3rd वर्जन इसका लॉन्च किया गया है। गैंगटॉक में ये ऑर्गेनाइज किया गया ये रीजनल वर्कशॉप, और इसका फोकस रहेगा ऑन हाउ टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द स्कीम इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसमें स्टेट कवर किए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। नेक्स्ट वन इज आर्मी चीफ जनरल ऑन ए विजिट टू बांग्लादेश। इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, वो 5 दिन के अपने दौरे पे हैं बांग्लादेश में। 8 अप्रैल से दौरा स्टार्ट हो चुका है और उनकी विजिट ये स्टार्ट हुई है। स्वर्णिम विजय वर्ष इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 50 ईयर ऑफ बांग्लादेश लिब्रेशन के, और इस वहाँ जाके वो ट्रिब्यूट अपना पे करेंगे मार्टियर्स को ऑफ द लिब्रेशन वॉर एट द शिखा अनिर्बन में, और वह विजिट करेंगे बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मेमोरियल म्यूजियम को धनामुंडी में। नेक्स्ट वन इज न्यूजीलैंड बैंस एंट्री ऑफ ट्रेवलर्स। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा एड्रन ने 8 अप्रैल को टेम्परली सस्पेंड कर दिया है एंट्री को इंडिया से जो ट्रेवलर्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग देयर ओन सिटीजन्स। न्यूजीलैंड का भी सिटीजन अगर इंडिया में है, अगर वो वापस जाना चाह रहा है तो अब ट्रैवल पे बैन है, और ये बैन रखा गया है 28 अप्रैल से। COVID-19 के केसेस वहाँ पे 22 मिले थे, जिसमें से 17 केसेस जो इंडिया से आए थे उनमें से, इसी की रिगार्डिंग ये बैन रखा गया है, और ये बैन 28 अप्रैल तक चलने वाला है, उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज IIIT हैदराबाद अनवेल्स शेफ शिफ्टिंग ड्रोन। ए टीम ऑफ रिसर्चर्स ने फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद IIIT, उन्होंने डेवलप किया है इनोवेटिव अनमैंड एरियल व्हीकल्स, इसका नाम दिया गया है एलास्टिकॉप्टर। ये ड्रोन व्हीकल है जिसको डेवलप किया गया है 24 ईयर ओल्ड सूरज बोनागरी के द्वारा। ये रोबोटिक रिसर्च सेंटर में स्टूडेंट हैं IIIT हैदराबाद में, और इस अनमैंड आर्म व्हीकल एरियल व्हीकल की फैसिलिटी है कि इसकी एडजस्टेबल्स आर्म्स हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट साइज और शेप में अपने आप को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज IIT Delhi develops device to detect dengue in 1 hour. A group of researchers from Indian Institute of Technology Delhi, उन्होंने develop किया है एक handheld device जो early diagnosis of dengue इसके लिए काम आएगा। इस device की मदद से test result 1 घंटे के अंदर आपको पता लग सकता है। अभी current process देखा जाए तो 1 दिन के अंदर dengue के, अगर किसी को dengue होता तो 1 दिन के अंदर उसके बारे में test होने के बाद पता लगाया जाता है, लेकिन ये 1 घंटे में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इस डिवाइस को डेवलप किया है IIT दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च NIMR के साथ। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक डाउन बाय 89%। इंटरनेशनल ट्रैफिक पैसेंजर 89% की उसमें गिरावट दर्ज की गई फरवरी 2021 में। लास्ट ईयर फरवरी 2020 में इसका कंपैरिजन किया जाए तो इस बार
89% की इसकी गिरावट है। इसको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, और एयर ट्रैफिक इंडिया में अपने 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 5.34 करोड़ पैसेंजर फिस्कल ईयर 2021 में अभी तक उन्होंने ट्रेवल किया है। नेक्स्ट वन इज हनी कॉर्नर्स एंड मधु क्रांति पोर्टल लॉन्चेस। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 7 अप्रैल को लॉन्च किया मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन NAFED को न्यू दिल्ली में। और मधु क्रांति पोर्टल है, ये इनिशिएटिव है एक ऑफ द नेशनल बी बोर्ड अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, और MOU साइन हुआ है नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट वन इज रेलवेज अचीव्स हाईएस्ट एवर स्क्रैप सेल। इंडियन रेलवे ने अचीव किया है अब तक का सबसे हाईएस्ट स्क्रैप सेल फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और उन्होंने अर्न किए हैं इससे 4500 करोड़ रुपीज़। लास्ट ईयर के मुकाबले अगर इसको देखा जाए तो ये था 4333 करोड़ रुपीज़, और इस बार ये रहा है 4573 करोड़ रुपीज़। 5.5% की इसमें उछाल देखी गई है, ज़्यादा एस्टिमेट स्क्रैप से रिवेन्यू जनरेट हुआ है। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ऑनलाइन पी डॉट प्रोग्राम फॉर माइग्रेंट्स वर्कर्स। पहला प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग पी डॉट प्रोग्राम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया 7 अप्रैल को। टू सप्लीमेंट फिजिकल ट्रेनिंग बींग हेल्ड इन पी डॉट सेंटर्स पे उनको सप्लीमेंट फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलेबोरेशन विद प्रोटेक्टर्स ऑफ एमिग्रेंट्स मुंबई के साथ मिलकर। पी डॉट इसका मेन एम है टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स टू नो अबाउट देयर कल्चर लैंग्वेज रेगुलेशन ऑफ डेस्टिनेशन कंट्री। नेक्स्ट वन इज अनाम्या ट्राइबल हेल्थ कोलेबोरेशन। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने उन्होंने लॉन्च किया है अनाम्या द ट्राइबल हेल्थ कोलेबोरेशन कोलेबोरेटिव ऑन 7 अप्रैल 2021। अनाम्या एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसको सपोर्ट किया गया है पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा। अनाम्या कन्वर्ज करेगा एफर्ट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज जो इनहेंस करने का काम करती हैं द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन ड्राइव एट वर्क प्लेसेज फ्रॉम 11 अप्रैल। सेंटर ने अलाउ किया है COVID-19 वैक्सीनेशन को पब्लिक और प्राइवेट वर्क प्लेसेज पे, जहाँ 100 से भी ज़्यादा एलिजिबल बेनिफिशरीज होंगे स्टेट और यूनियन टेरेटरीज में, वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट वर्क प्लेसेज पे COVID-19 वैक्सीनेशन किया जाएगा, और इसको लॉन्च किया जाएगा वैक्सीनेशन सेंटर्स को 11 अप्रैल से सभी स्टेट और यूटीज में, और इस फैसिलिटी को अवेल कराने के लिए एज लिमिट रखी गई है 45 ईयर एंड अबव, और आपको कोविन पोर्टल पर जाके इससे पहले वैक्सीनेशन से पहले रजिस्टर करना होगा। नेक्स्ट वन इज कैबिनेट अप्रूव्स PLI स्कीम फॉर सोलर मॉड्यूल्स। यूनियन कैबिनेट ने 7 अप्रैल को अप्रूव किया है 4500 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। इसके तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाएगा ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स, और PLI स्कीम का एम है एट एडिंग 10,000 मेगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ इंटीग्रेटेड सोलर PV मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके तहत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाएगी 17,200 करोड़ रुपीज की। नेक्स्ट वन इज PLI स्कीम्स वर्थ 6,238 करोड़ अप्रूव्ड। कैबिनेट ने अप्रूव की है PLI स्कीम जिसका 10,738 करोड़ रुपीज की। इसको कंसिडर किया गया है LED बल्ब्स और एयर कंडीशनर्स के लिए। PLI स्कीम 6,238 करोड़ रुपीज़ वो LED और एयर कंडीशनर्स के लिए अप्रूव की गई है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा इंडिया में ग्लोबली कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, और 13 PLI स्कीम्स अभी तक अप्रूव हुई हैं, और उसमें से 9 अप्रूव हो चुकी हैं, और इसमें से 4 जो PLI स्कीम्स हैं वो अभी एडवांस स्टेज में हैं। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट अपॉइंट्स S. रमन एज SIDBI CMD। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है S. रमन को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
सिडबी के नाम से इसको जानते हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट हुई है 3 साल के टर्म के लिए। और रमना के बारे में आपको, रमन के बारे में आपको बताया जाए तो 1991 के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर हैं, और वो अभी सीईओ हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के। इंडिया का पहला इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ये है। नेक्स्ट वन इज जेपी मॉर्गन टाइज अप विद बिलडेस्क। बिलडेस्क ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप जेपी मॉर्गन के साथ, इसके तहत ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक्स के कॉरपोरेट क्लाइंट जितने भी इंडिया में हैं जेपी मॉर्गन के, उनको ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस पार्टनरशिप के थ्रू जेपी मॉर्गन के क्लाइंट्स इंडिया में हैं वो इंडिपेंडेंटली इनिशिएट स्टेचुरी और यूटिलिटी पेमेंट सॉल्यूशंस 100 से ज़्यादा मर्चेंट जिसके साथ बिलडेस्क पार्टनरशिप में है, उनके म्यूचुअल असिस्टेंट उनके रिगार्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज फीफा सस्पेंड्स पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को विद इमीडिएट इफेक्ट ड्यू टू द थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। छेड़छाड़ हुई है फीफा की स्टेटस और गाइडलाइंस के साथ, इसके रिगार्डिंग ही ये डिसीजन लिया गया है। इससे पहले 6 महीने का बैन पाकिस्तान पर लगा था अक्टूबर 2017 और मार्च 2018 तक। नेक्स्ट वन इज डीजीपी शाबिर एंटी करप्शन यूनिट चीफ ऑफ बीसीसीआई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है फॉर्मर गुजरात डीजीपी शाबिर हुसैन शेखादमन खंडवा वाला, उनको हेड ऑफ इट्स एंटी करप्शन यूनिट का हेड किया गया है। इससे पहले अजीत सिंह फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं राजस्थान के, उन्होंने ये पदाभार संभाल रखा था। अब उनको ट्रेनर एंड हो गया है मार्च 31 को। खंडेवा वाला एक 1973 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और रिटायर हो चुके हैं गुजरात के डीजीपी रह के दिसंबर 2010 में। नेक्स्ट वन इज बुक ऑन मनोहर पारिकर रिलीज्ड। नितिन गोखले साउथ एशिया के लीडिंग स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने नई बुक रिलीज की है अपनी जिसका टाइटल है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड और सिंपल लाइफ। मनोहर पारिकर इंडिया के पहले आईआईटी क्वालिफाइड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, गोवा के सीएम रहे हैं वो 4 बार, और उन्होंने इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस मिनिस्टर भी काम किया है नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक। नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम्स अचीव्स 92% टारगेट इन फर्स्ट फेज। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इन्होंने 92% टारगेट अचीव किया है पहला फेज जिसका दौर रखा गया था 2016-17 से 18-19 तक, और इसके तहत 1 करोड़ हाउसेज कंप्लीट करके दिए हैं पहले स्कीम में 16-17 से 18-19 के बीच। और इस स्कीम का मेन एम है टू प्रोवाइड ए पक्का हाउस विद सम बेसिक एमेनिटीज। नेक्स्ट वन इज इंडिया होस्ट समिट ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर। इंडिया होस्ट करने जा रहा है समिट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर का। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इसको एड्रेस करेंगे। पहली मीटिंग है ये ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की न्यू दिल्ली में हुई 6 अप्रैल को। इसको को चेयर किया गया निर्मला सीतारमन जी के द्वारा और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा। इसमें इंक्लूड हुए इश्यूज जिन पर डिस्कस किया गया ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईएमएफ रिफॉर्म्स, फिनटेक फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया था डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट वन इज श्रीलंका बैंस पाम ऑयल इंपोर्ट। श्रीलंका ने बैन कर दिया है इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल और न्यू पाम प्लांटेशंस पे, और अपने प्रोडक्शन को बताया है कि अप्रूव करें एग्जिस्टिंग प्लांटेशन को इन ए फेज्ड मैनर। श्रीलंका इंपोर्ट कर रहा था अभी 2 लाख टन्स ऑफ पाम ऑयल एवरी ईयर, इसका मेनली पार्ट आ रहा था इंडोनेशिया और मलेशिया से, अब इसको बैन कर दिया गया है। श्रीलंका ने ये कहा कि आप पाम ऑयल की जगह आप कोकोनट ऑयल का यूज कीजिए। नेक्स्ट वन इज विप्रो अपॉइंट सारा एडम गेज एज मैनेजिंग डायरेक्टर। विप्रो ने अपॉइंट किया है सारा एडम गेज को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑपरेशंस के लिए। सारा
ऑलरेडी वेरियस सीनियर एग्जीक्यूटिव रोल्स में रही हैं कंपनी के साथ, और सर्विस बेस कंसल्टेंसीज में उन्होंने काम किया है। 25 ईयर से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रीजन में। नेक्स्ट वन इज वाटर रिलीज्ड फ्रॉम कोंडा पोचम सागर, मेजर माइलस्टोन हासिल किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत। सीएम के चंद्रशेखर राव ने 6 अप्रैल को रिलीज किया वाटर फ्रॉम कोंडा पोचमा सागर इनटू हल्दीबागू, और मंजरा रिवर के थ्रू इसको निजाम सागर में भेजा जाएगा। नेक्स्ट वन इज उषा राव एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फॉर यूएनडीपी। उषा राव मोनारी इंडिया से हैं, उनको ऑफिशियली रोल प्रोवाइड किया गया है यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। उनको अपॉइंट किया गया है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्रुटोस के द्वारा फरवरी 2020 में, और उनको अपॉइंटमेंट अब मिली है। नेक्स्ट वन इज आरबीआई अनाउंसेस लिक्विडिटी सपोर्ट टू नबार्ड। आरबीआई ने नबार्ड को लिक्विडिटी सपोर्ट 50,000 करोड़ रुपीज का नबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक फ्रेश लैंडिंग्स के लिए वो अप्रूवल इसका सपोर्ट प्रोवाइड करने का अप्रूवल इसको दिया है नबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक को। नबार्ड को स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी 25,000 की एक साल के लिए टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, और स्मॉल लैंडिंग फार्म्स को 10,000 करोड़ रुपीज की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी नेशनल हाउसिंग बैंक को एक साल के लिए 10,000 करोड़ रुपीज की। नेक्स्ट वन इज एबिगस हिंदुस्तान यूनिलीवर सेटअप से प्रोजेक्ट। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हेल्प के साथ अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति एबिगस ये इनोग्रेट करने जा रही है एक वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट धेंगी विलेज में पटियाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। इसको इनोग्रेट किया गया है 6 अप्रैल को। इस प्रोजेक्ट का एम रहेगा टू रिसाइकल वेस्ट वाटर फॉर इरीगेशनल पर्पज, जितना भी वेस्ट वाटर है उसको इरीगेशन के पर्पज़ के लिए यूजफुल बनाया जाए, और ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट के लिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको इम्प्लीमेंट किया जाए स्टेट में। नेक्स्ट वन इज रेनॉल्ट इंडिया पार्टनर्स विद शेरो रिसाइकलिंग। रेनॉल्ट इंडिया टाइड अप किया है शेरो रिसाइकलिंग के साथ टू हेल्प कस्टमर स्क्रैप देयर ओल्ड व्हीकल्स, अपने पुराने व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप करने के लिए एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, रिलाइव प्रोग्राम इसको नाम दिया गया है। इसमें शेरो रिसाइकलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप अपने पुराने व्हीकल्स को 6 locations पे इंक्लूडिंग NCR, चेन्नई, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु, आप वहां जाके स्क्रैप कर सकते हैं इजीली रेनॉल्ट के व्हीकल्स को। आज का पहला स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड नवंबर 9, 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कैपिटल देहरादून, चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, मेजर सिटीज देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, रुड़की, पंतनगर और हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौरी, रानीखेत, ऋषिकेश और उत्तरकाशी। नेशनल पार्क्स, यहाँ पे 6 नेशनल पार्क्स हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी और फ्लावर वैली या वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे 7 हैं, जिसमें एस्केट मस्कडियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हैं। मेजर रिवर्स की अगर बात कर ली जाए तो ओली रिवर गंगा, भीलंगा और धौली गंगा, गोला रिवर, काली रिवर, मंदाकिनी, नायर और अलकनंदा। मेजर पोर्ट्स, पोर्ट यहाँ कोई नहीं है, लैंडलॉक्ड है। रामसर साइट्स, एशन बैरेज यहाँ पे रामसर साइट्स में आता है। बायोस्फीयर रिजर्व में बात की जाए तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात की जाए तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, घाशियारी कल्याण योजना, किसान पेंशन योजना, 5-star village पोस्टल स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, वैष्णवी सुरक्षा योजना, सौभाग्यवती योजना उत्तराखंड मुख्यमंत्री, सौर स्वरोजगार योजना, RS1 टैप वाटर कनेक्शन स्कीम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना,
प्रवासी यात्रा पंजीकरण, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, उत्तराखंड गोरा देवी कन्या धन योजना, सुपर 100 कैंपेन, दीक्षा द राइजिंग द स्टेट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन उत्तराखंड, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सब वहाँ की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। लोकसभा में 5 सीट्स हैं, राज्यसभा में 3 रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट असेंबली 70 सीट्स, स्टेट काउंसिल यहाँ पे है नहीं, और लास्ट इलेक्शन हुए थे 2017-15 फरवरी को। हेरिटेज साइट्स जिसको यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, वो अंडरलाइन आप हाईलाइटेड पार्ट में देख सकते हैं, बोल्ड पार्ट में, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और नंदा देवी का मंदिर। इसके अलावा बैजनाथ, काशीपुर, मसूरी, पिथौरागढ़, फोर्ट द्वाराहट और कटरमल सन टेम्पल, ये सब हेरिटेज साइट्स में है। मेजर एयरपोर्ट्स में जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो नेपाल इधर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर उत्तर प्रदेश के साथ, इधर हिमाचल प्रदेश के साथ, 4 स्टेट और 2 इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। राइट हैंड पे आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टेहरी गढ़वाल, पौरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये सब यहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अल्टेरिया कैपिटल मेक्स फर्स्ट क्लोजर ऑफ फंड सेकंड। अल्टेरिया कैपिटल अनाउंस किया है पहला क्लोजर सेकंड फंड का, जिसका टोटल वर्थ है 1,325 करोड़ रुपीज़। वो रैंप अप करने जा रहे हैं अपने डेवलपमेंट को अक्रॉस स्टार्टअप्स इन इंडिया, और उनको इससे सेबी से परमिशन मिल गई थी दिसंबर 2020 में सेकेंड वेंचर डेबिट फंड को रोल आउट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ग्रुप एम इंडिया प्रमोट्स विनीत कर्निक। ग्रुप एम इंडिया WPP ओन्ड मीडिया एजेंसी है, ये प्रमोट करने जा रही है 2 सीनियर रिसोर्सेज को अक्रॉस इट्स स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर एज वेल एज कंटेंट प्रैक्टिस। विनीत कर्नक, उनको रोल दिया गया है एज द हेड ऑफ साउथ एशिया स्पोर्ट ई स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट एट ग्रुप एम। इसके साथ साथ कार्तिक नागराजन, वो चीफ कंटेंट ऑफिसर, उनको बनाया गया है वेव मेकर इंडिया का, और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड की गई है ग्रुप एम ऑफ इंडिया एज द हेड ऑफ ब्रांडेड कंटेंट। नेक्स्ट वन इज इंडिया टैक्स रिसिप्ट सरपास रिवाइज टारगेट। इंडिया के नेट डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट कंप्राइजिंग, जिसमें कॉरपोरेट और इंडिविजुअल इनकम टैक्स है, वो 9.45 ट्रिलियन रुपीज़ फिस्कल ईयर 2020 और 2021 में मार्च 31 तक ये रहा है, ये 9.45 ट्रिलियन रुपीज़ रहा है। इसने रिवाइज बजट टारगेट को सरप्रास कर दिया है। नेट डायरेक्ट टैक्स कोलेब्रेशन जिसमें शामिल थे कॉरपोरेट टैक्स 4.57 लाख करोड़ रुपीज़, और पर्सनल इनकम टैक्स जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंक्लूड थे, इसकी वैल्यू रही 4.88 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट वन इज नासा ओडिसी मार्क्स 20 ईयर ऑफ मैपिंग मार्स। नासा के मार्स स्पेसक्राफ्ट ओडिसी को लॉन्च किया गया था 20 साल पहले अप्रैल 7 को, और ओल्डेस्ट स्पेसक्राफ्ट जो अभी भी मार्स पे काम कर रहा है ये बन गया है। इसको नाम मिला था एक नोवल 2001 स्पेस ओडिसी, इसके तहत इसका नाम पड़ा था, और मैपिंग कर रहा है ये मार्स मिशन की थ्रू इट्स थर्मल एमिशन इमेज सेंसिंग सिस्टम, जिसको थैमिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश लॉकडाउन इन ऑल सिटीज टिल मंडे। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा सभी सिटीज में 6 PM से 9 अप्रैल के, और 6 AM तक 12 अप्रैल तक 3 दिन का ये लॉकडाउन रहेगा। पॉजिटिव पेशेंट्स के नंबर में काफ़ी इंक्रीज हो रहा है स्टेट में, और स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इंक्लूड कर दिया है, और भिलाई स्टील प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई भी स्टार्ट हो गई है जो कुछ टाइम पहले रुक गई थी। स्टेट में अभी तक 4,324 केसेज कोविड-19 के रजिस्टर हुए हैं 8 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज द्वितीय चंद टू रिसीव छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड। द्वितीय चंद जकार्ता एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट है 100 और 200 मीटर रेस में, उनको सम्मान प्रदान किया जाएगा छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड से, और अभी पेंडेमिक के दौरान ये अवार्ड वर्चुअली हेल्ड होगा अप्रैल 14 को। 2019 में वो पहली इंडियन वुमेन बनी थी जिनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इटली में ये गेम्स हुए थे,
और उनके नाम पे अभी नेशनल रिकॉर्ड भी है, 11.22 सेकंड्स में उन्होंने 100 मीटर रेस को कवर किया था। नेक्स्ट वन इज पुलिस चीफ्स डायलॉग्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, फर्स्ट डेलीगेशन लेवल पुलिस चीफ मीटिंग इंडिया और श्रीलंका के पुलिस हेड्स के बीच में हुई है 8 अप्रैल को। इंडियन डेलीगेशन के को हेड किया गया था डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अरविंद कुमार जी, और श्रीलंका की तरफ से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सी डी विक रामारत्ने के द्वारा, और दोनों ने एग्री किया कि जॉइंटली वर्क करेंगे टेररिस्ट एंटिटीज को, जिसमें इंक्लूड होंगे ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट ₹1,00,000 करोड़ फॉर टैप वाटर, गवर्नमेंट ने प्लान किया है इन्वेस्ट करने का ₹1,00,000 करोड़ फिस्कल ईयर 2021-22 में इन्वेस्ट किए जाएंगे, टैप वाटर कनेक्शन हर एक रूरल हाउस होल्ड तक कंट्री में पहुँचाया जाए। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि ये स्कीम अगले आने वाले 3 साल तक कंटिन्यू रहेगी टारगेट को अचीव करने के लिए। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हमारे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। नेक्स्ट वन इज सार्थक इनिशिएटिव लॉन्च बाई एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर राम पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव सार्थक, इसको नाम दिया गया है 8 अप्रैल को। सार्थक जो स्टैंड करता है स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, इस इनिशिएटिव के तहत इम्प्लीमेंटेशन कुछ प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर स्कूल एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट बाई डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसको रिलीज किया गया है एज द पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन अमृत महोत्सव का जो सेलिब्रेशन है उसका पार्ट के तौर पे इसको रिलीज किया गया है सार्थक इनिशिएटिव को। नेक्स्ट वन इज रेलवे मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ स्पेशल ट्रेन, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने फ्लैग ऑफ किया है गोडा से न्यू दिल्ली हमसफर एक स्पेशल ट्रेन जो गोडा झारखंड से चलेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसको फ्लैग ऑफ किया गया है, और उन्होंने डेडिकेट किया है हंसदिया गोडा न्यू लाइन झारखंड में उसको, और स्पेशल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डुमका और गोडा झारखंड में उन्होंने इसको अप्रूवल दिया है, और इसी के तहत 36 अभी रेल प्रोजेक्ट्स वो आर बीइंग एग्जीक्यूटिव इन झारखंड, जिसका टोटल वर्थ रहेगा 20,000 करोड़ रुपीज। 36 प्रोजेक्ट्स अभी रेल प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है 20,000 करोड़ इंडियन रुपीज। नेक्स्ट वन इज इंडिया रशिया फ्रेंडशिप कार रैली फ्लैग्ड ऑफ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने फ्लैग ऑफ किया इंडिया रशिया फ्रेंडशिप कार रैली 2021 8 अप्रैल को। ये ऑर्गेनाइज हुआ बाय इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप कार रैली एसोसिएशन IFCRA न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली के द्वारा कार रैली टेक प्लेस की जाएगी रशिया में 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन लीडर्स समिट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडर्स समिट में क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्ल्ड लीडर्स जिसको बुलाया है US के प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन ने 22 और 23 अप्रैल को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और US के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी वो इंडिया में अपनी विजिट पे हैं, और उन्होंने इसको समराइज किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलके। ये समिट स्टार्ट होने जा रहा है ऑन द अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और जो बाइडन US प्रेसिडेंट वो आउटलाइन करेंगे US के गोल्स को कि कार्बन एमिशन को 2030 तक कैसे कम किया जाए, वो US के प्लान्स को यहाँ पे एलेबरेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंडिया मालदीव्स कंडम ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, इंडिया और मालदीव्स ने टेररिज्म के और जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उसके सभी फॉर्म्स को कंडम किया है, और पहला ये काउंटर टेररिज्म डायलॉग इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ है 8 अप्रैल को नई दिल्ली में, और दोनों ने एक दूसरे के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में, और इन्होंने इंश्योर किया है कि नो टेरिटरी इज यूज फॉर टेररिस्ट अटैक ऑन अदर, कि जैसे पाकिस्तान की टेरिटरी यूज की जाती है तो ऐसे किसी की भी टेरिटरी यूज नहीं की जानी चाहिए दूसरी कंट्री पर अटैक करने के लिए टेररिस्ट अटैक स्पेशली। नेक्स्ट वन इज 11th राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में इंडो चाइना मिलिट्री कमांडर लेवल्स की टॉक 9 अप्रैल को हुई, 11th राउंड ये इस मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक्स का रहा दोनों साइड के बीच। इसमें फोकस रहा फॉरवर्ड मूवमेंट पे में डिस एंगेजमेंट करना आर्मीज की गोगरा हॉट स्प्रिंग्स जो ईस्टर्न लद्दाख में है वहाँ पे, लास्ट टाइम 22 फरवरी को ये कमांडर्स की मीटिंग हुई थी।
नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड वर्चुअल समिट विद मार्क रूटे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के काउंटर पार्ट मार्क रूटे के साथ 9 अप्रैल को एक वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया। इस समिट के दौरान दोनों लीडर्स ने डिस्कस किया द बायलैटरल कॉरपोरेशन और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। उसके रिगार्डिंग नीदरलैंड के बारे में आपको बताया जाए तो थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है इंडिया में नीदरलैंड। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैंड्स ओवर पेट्रोल बोट टू सेशल्स। इंडिया ने 8 अप्रैल को फॉर्मली हैंड ओवर कर दिया है 100 करोड़ की लागत की पेट्रोल बोट PS जोरोस्टर सेशल्स को। 48.9 मीटर की पेट्रोल बोट है जिसको बिल्ड किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स के द्वारा। इसका कॉस्ट रहा है 100 करोड़ रुपीज और इसकी टॉप स्पीड है 35 नॉट और इसका एंडोरेंस है 1500 नोटिकल माइल। इसको यूज किया जाएगा मल्टीपर्पज ऑपरेशंस के लिए पेट्रोलिंग एंटी स्मगलिंग एंटी पोसिंग ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट वन इज सर्वे शोज ए डिप इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। RBI ने सर्वे रिलीज किया है 7 अप्रैल को जिसमें बताया गया है कि कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस वो गिर रहा है 53.1 अभी है मार्च 2021 में, ये जनवरी में 55.5 था और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में भी गिरावट दर्ज की गई है 108.08 पे रहा है 117.1 जनवरी के महीने में ये था। कंज्यूमर्स अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो एंड इनकम कंडीशंस। नेक्स्ट वन इज हीरो मोटर कॉरपोरेशन टू वैक्सीनेट ऑल एम्प्लॉयज। कंट्रीज लार्जेस्ट टू व्हीलर मेकर्स हीरो मोटर कॉरपोरेशन उन्होंने डिसाइड किया है कि COVID-19 वैक्सीनेशन का कॉस्ट वो बियर करेंगे अपने सभी एम्प्लॉयज़ का परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का। इसमें 80,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ शामिल हैं जिसमें हीरो मोटर कॉर्प की एंटायर वर्कफोर्स और इसी के साथ साथ ग्रुप कंपनीज और सप्लाई चेन जितनी भी हैं उन सभी वर्कर्स का वैक्सीनेशन कॉस्ट हीरो मोटर कॉरपोरेशन वो बियर करेगी। नेक्स्ट वन इज वर्जीनिया फर्स्ट साउथ US स्टेट टू लीगलाइज पॉट। वर्जीनिया ने 7 अप्रैल को पहला स्टेट ये बन गया है साउथ यूनाइटेड स्टेट्स का जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है स्मॉल अमाउंट ऑफ मैरिजुआना फॉर पर्सनल यूज। गांजे का आप कुछ मात्रा में पर्सनल यूज कर सकते हैं, इसके तहत जो 21 साल से ऊपर लोग हैं वो लीगली पोजेस कर सकते हैं 1 ounce यानी कि 28.3 ग्राम ऑफ कैनबीज पर्सनल यूज के लिए और 4 पौधे कैनबीज के वो अपने हाउस होल्ड में अपने घर में लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ ही US के अदर स्टेट्स हैं न्यूयॉर्क और कोलोराडो, इन्होंने भी सिमिलर मेजर्स को अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट वन इज गेम स्टॉप नॉमिनेट्स रैन कोहेन एज द चेयरमैन। गेम स्टॉप ने नॉमिनेट किया है शुभी फाउंडर रैन कोहेन को एज द चेयरमैन ऑफ इट्स चेयरमैन रहेंगे वो बोर्ड की एनुअल शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने जा रही है 9 जून को, उसके उनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और रैन कोहेन बिगेस्ट शेयर होल्डर्स हैं और बोर्ड मेंबर हैं गेम स्टॉप कंपनी के। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड लिस्ट ऑन द BSE। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन्होंने रेज किया 150 करोड़ रुपीज वाय म्यूनिसिपल बॉन्ड्स प्राइवेट प्लेसमेंट BSE बॉन्ड प्लेटफॉर्म पे और लिस्टेड किया गया है एक्सचेंज को, उन्होंने एक्सचेंज में लिस्टेड किया है अपने आप को 8 अप्रैल को और पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया है किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जिसको इशू किया है गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट वन इज टीका उत्सव टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम 11 अप्रैल टू 14 अप्रैल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अर्ज किया है सभी को कि टीका उत्सव मनाया जाए 11 से 14 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को बर्थ डेट है ज्योतिबा फूले जी का और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ डेट है, तो इसके तहत एम रखा गया है कि टीका उत्सव मनाया जाएगा और इन 3 दिनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को वैक्सीनेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन अटेंड्स प्लेनरी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 8 अप्रैल को अटेंड किए प्लेनरी मीटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMF के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। इसको गवर्नर्स ऑफ और अल्टरनेट गवर्नर्स 190 मेंबर्स कंट्रीज के द्वारा अटेंड किया गया था। इसमें मीटिंग का डिस्कशन रहा IMF मैनेजिंग डायरेक्टर्स ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा जिसका टाइटल था बोलस्टरिंग द रिकवरी काउंटरिंग डाइवर्जेंस। नेक्स्ट वन इज आर्मी चीफ हैंड्स ओवर 1 लाख कोविड वैक्सीन। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे
उन्होंने हैंड ओवर की हैं 1 लाख डोजेज मेड इन इंडिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक वैक्सीन की बांग्लादेशी काउंटर पार्ट जनरल अजीज अहमद को ढाका में 8 अप्रैल को, 5 दिन के वो दौरे पे हैं और इस दौरान वो पार्टिसिपेट करेंगे आर्मी चीफ कॉन्क्लेव में, ये हेल्ड होने जा रहा है 11 अप्रैल को ढाका कंटोनमेंट जोन में। नेक्स्ट वन इज सेंटर सैंक्शंस ओवर 250 करोड़ टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट। टोटल 250 करोड़ रुपीज सेंक्शन किया गया है मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इफेक्टिव मैनेजमेंट कोविड 19 के लिए सैंक्शन किया गया है। नेक्स्ट वन इज CGI लॉन्चेस AI ड्रिवन रिसर्च पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट ने अनवेल किया है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, स्पेस नाम इसको दिया गया है। इसको डिजाइन किया गया है टू मेक रिसर्चर्स इजियर फॉर जजेस, रिसर्च को इजियर करने के लिए जजेस के लिए और उनके वर्कलोड को ईजी करने के लिए। ये पेट प्रोजेक्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी SA बोबड़े जी का। और सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी सुपेस इसको नाम दिया गया है। इसका पूरा फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। ये टूल है दैट कलेक्ट रिलेवेंट फैक्ट एंड लॉज एंड मेक देम अवेलेबल टू ए जज। नेक्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स विद एन एरोस्पेस फिल्म। माइक्रोसॉफ्ट ने एरोस्पेस फिल्म थेल्स एलेनिया स्पेस के साथ कोलेब्रेशन किया है जिसके तहत थेल्स एलेनिया स्पेस ऑटोमेटेड इमेज प्रोसेसिंग सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके तहत ऑल इमेजेस डाउनलोड बाय अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से इमेज जो डाउनलोड की जाती हैं वो इमिडिएटली और सिस्टमेटिकली उनका एनालिसिस किया जाता है जैसी वो प्रोड्यूस होकर आती हैं। नेक्स्ट वन इज MS धोनी अनाउंसेस एनिमेटेड स्पाई सीरीज। महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी सिंह धोनी, इनका प्रोडक्शन हाउस है धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है ब्लैक व्हाइट ऑरेंज ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड BWO के साथ। एक सीक्रेट एजेंट एनिमेटेड यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं, कैप्टन 7 इसका नाम दिया गया है। एक्साइटिंग एनिमेटेड फिक्शन शो रहेगा MS धोनी के ऊपर ये बेस्ड है और इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में। इसको को प्रोड्यूस किया जाएगा साक्षी सिंह धोनी और ब्लैक व्हाइट ऑरेंज ब्रांड्स के द्वारा। नेक्स्ट वन इज साइंटिस्ट डेवलप रोबो प्लांट्स। साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं हाईटेक सिस्टम फॉर कम्युनिकेटिंग विद वेजिटेशन। रिसर्चर्स सिंगापुर में उन्होंने लिंकअप किया है प्लांट्स के साथ टू इलेक्ट्रोड कैपेबल जो मॉनिटर कर सकेगा द वीक इलेक्ट्रिकल पल्सिस नेचुरली एमिटेड बाय द ग्रीनरी। जो जितनी भी वीक इलेक्ट्रिकल पल्सिस हैं जिनको एमिट किया जाएगा ग्रीनरी के द्वारा उसको ये कैप्चर करेगा। नेक्स्ट वन इज MOU साइन बिटवीन DASD एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। MOU साइन हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डाइंग और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच 7 अप्रैल को। ये साइन किया गया टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा एंड इट्स अलाइड डिसिप्लिन्स इनटू वेटरनरी साइंसेज में आयुर्वेदा को शामिल करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट वन इज संजीव कुमार टेक्स ओवर एज द AAI चेयरमैन। संजीव कुमार महाराष्ट्र कैडर के IAS ऑफिसर 1993 बैच के, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 7 अप्रैल को। इससे पहले कुमार वर्क कर रहे थे एज द स्टेट कमिश्नर GST इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट और उन्होंने रिप्लेस किया है अनुज अग्रवाल को जो इंटरिम चेयरमैन थे AAI के 3 महीने से। अरविंद कुमार चेयरमैन रहे हैं AAI के 6 नवंबर से 24 जनवरी तक। नेक्स्ट वन इज नेत्रा कुमानन क्रिएट्स हिस्ट्री। नेत्रा कुमानन पहली इंडियन वुमेन सेलर बन गई है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। टॉप स्पॉट उन्होंने हासिल किया लेजर रेडियल इवेंट एशियन क्वालिफायर ओमान में, ये इवेंट हो रहा था। 21 पॉइंट की उनकी एडवांटेज थी अपने नियरेस्ट राइवल राम्या सारावन से लेजर रेडियल क्लास इवेंट में। और इस इवेंट में ये होता है कि जिस एथलीट के सबसे कम पॉइंट्स होते हैं वो कंपटीशन को जीतता है। नेत्रा कुमारन इन्होंने हिस्ट्री हासिल कर ली है, पहली वुमेन इंडियन बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। मेट्रोनिक्स ने अनाउंस किया है इनोग्रेशन ऑफ न्यूली एक्सपेंडेड मेट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। ये हैदराबाद में बनाया गया है। 1,50,000
स्क्वायर फीट का सेंटर, इसमें एम्प्लॉय किए जाएंगे इंजीनियर्स जो करंटली काम कर रहे हैं इन द एरियाज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, टेस्ट ऑटोमेशन, मैकेनिकल डिजाइन एंड एनालिसिस एंड हार्डवेयर। ग्लोबली मेट्रोनिक्स ने स्पेंड किए हैं अप्रोक्सीमेटली $2.3 बिलियन इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज एज रिलैक्सेशन फॉर EWS कैटेगरी कैटेगरी कैंडिडेट्स। राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल जिसके तहत रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी मैक्सिमम एज लिमिट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को एज लाइक अदर रिजर्व क्लास फॉर द अपॉइंटमेंट टू स्टेट सर्विस। स्टेट सर्विस में जितनी भी दूसरी रिजर्व क्लासेज हैं SC ST उनके तहत ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को भी मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल एबोलिश्ड। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस से एबोलिश कर दिया है फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 ये 4 अप्रैल को इसको इफेक्ट में लाया गया था। इसके तहत सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 को अमेंड करना था और इसी का ये पार्ट है कि फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल इसको हटा दिया गया है, इसको एबोलिश कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज DBS बैंक इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बैंक। DBS बैंक ऑफ इंडिया उनको अवार्ड मिला है एज द इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक बाय एशियन मनी, एक फाइनेंशियल पब्लिकेशन है यूरो मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ग्रुप्स का। एशियन मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स ये आइडेंटिफाई करके प्रोवाइड करता है दैट हैव एक्सेल्ड अक्रॉस ए रेंज ऑफ कोर बैंकिंग एक्टिविटीज पिछले 12 महीने में जिसके एक्सलेंट बैंकिंग एक्टिविटीज रही हैं, और DBS को सिलेक्ट किया गया है एज द इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए कंट्री में। नेक्स्ट वन इज दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस लैब ऑन व्हील्स। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट स्टूडेंट्स स्कूल के स्टूडेंट्स को वो लॉन्च की है एक प्रोग्राम लैब ऑन व्हील्स। इसके तहत दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ कोलेब्रेशन किया है। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम अंडर द लैब ऑन द व्हील्स के तहत वो ट्रैवल करेंगे अक्रॉस दिल्ली टू टीच गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को वो पढ़ाने जाएंगे इस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट वन इज UK अनवेल्स £43 मिलियन पैकेज। UK गवर्नमेंट ने अनवेल किया है £43 मिलियन पैकेज। ये लॉन्च किया गया सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज फैमिलीज जो सेटल हुए हैं कंट्रीज में, और इसी के साथ साथ जो फैमिलीज जिनका न्यू अराइवल हुआ है हांगकॉन्ग से हाउसिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो एस्केप हुए थे हांगकॉन्ग रीजन से क्योंकि चाइना ने वहाँ पे ड्रैकोनियन सिक्योरिटी लॉ को इम्पोज कर रखा है। नेक्स्ट वन इज IPL 2021 टू बिगिन ऑन 9th of April। 14th एडिशन IPL का 9th of April से स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस का पहला मुकाबला इस दिन पहला मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ चेन्नई में खेला जाएगा, और फाइनल मैच 30th of May को अहमदाबाद में खेला जाएगा। 6 वेन्यूज को सिलेक्ट किया गया है कंट्री में, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, यहाँ पे ही मैचेस होंगे। लास्ट वन इज हर्षल पटेल एबी डिविलियर्स हेल्प रॉयल चैलेंजर बेंगलोर स्वीप मुंबई इंडियंस बाय 2 विकेट्स। IPL का पहला मैच 14th एडिशन का, इसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है इसमें 2 विकेट से हराते हुए ये मैच जीत लिया है। हर्षल पटेल अपने 5 विकेट हॉल के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए। आज के लिए इतना ही, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिसके पास भी आप सेंड कर सकते हैं हमारी वीडियो, उसके पास शेयर कीजिए, जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकती है फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं डॉक्टर रोशन गोट के नाम से है, वहाँ पे डेली न्यूज एनालिसिस के लिए आप आइए, स्पेशली फॉर द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, खुश रहें, खुश रखें।